हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं, जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज देखते हैं जनरल साइंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एक वीडियो पहले भी डाल रखी, उसमें 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के। आज भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, साइंस के ही हैं, हिंदी में डाल रहे हैं हम, ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। बहुत से बच्चों की डिमांड होती है हिंदी में, साइंस के क्वेश्चन नहीं मिलते, तो ये हिंदी में डाल रहे हैं। ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? ये है सेस्टेरिन। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? सेस्टेरिन। अगला है, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि। और बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी है? यह है सेस्टेरिन। ठीक है, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हेलोजन कौन से हैं जो पीरियोडिक टेबल में एकदम जो लास्ट वाले होते हैं, वो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन वाले, वो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन ग्रुप। और इसमें जो कांच पर जो प्रहार करती है वो है ब्रोमिन। ठीक है, हेलोजन होता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन। ठीक है, उसके बाद अगला है, और अगला है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास का जो केमिकल है वो केमिकल नेम क्या है? ये है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, वाटर ग्लास का क्या नाम है? सोडियम सिलिकेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? किसकी कमी से कुपोषण होता है? ये होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? ये है गामा किरण, गामा रेज। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रेज। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। और कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। वाटर ग्लास को क्या बोलते हैं? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इसके बाद अगला है, प्रोटोन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836। प्रोटोन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना होता है? 1836 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोटोन का भार। अगला है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? ये है लगभग 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन करता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था सर न्यूटन ने। ठीक है, उसके बाद अगला है, ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या? ध्वनि का किस में मापा जाता है? डेसिबल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? यानी कोशिका के किस भाग को कंट्रोलिंग पॉइंट कहा जाता है? यह है केंद्रक, सेंट्रोइड बोलते हैं जो केंद्रक होता है जो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? टिटनेस हो जाता है तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, अगला है कि स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? तो स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? H1N1 से। धमनी की इकाई का क्या है? डेसिबल में। कोशिका किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। ठीक है, टेटनस से कौन सा रोग अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। और स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? H1N1 वायरस से। ठीक है, इसके बाद अगला है, जो ब्लड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू, इसका किस वायरस, इसका क्या नाम है? H5N1 बर्ड फ्लू का। ठीक है, NTP पर, NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किस गैस, किसी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, उसके बाद अगला है, टोमेटो सॉस में जो टमाटर की जो सॉस होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद अगला है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। ठीक है, बर्ड फ्लू वायरस का क्या नाम है? H5N1। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। टोमेटो सॉस में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड होता है। और गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस। ठीक है, उसके बाद अगला है कि मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन होता है? यह है एलिथ्रीन। जो मच्छर भगाते हैं उसकी दवा में कौन सा रसायन होता है? एलिथ्रीन। और अगला क्वेश्चन है, ब्राइटस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो ब्राइटस डिजीज होती है वो किसको प्रभावित करता है? किडनी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट में पूछा गया था एग्जाम में भी, ब्राइटस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? किडनी को। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में।
ठीक है। उसके बाद है पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है, इसको बोलते हैं क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है, क्रिस्कोग्राफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिए इसको। और क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, जेसी बोस ने, ठीक है, जो पौधों में वृद्धि को मापता क्रिस्कोग्राफ, इसकी खोज किसने की थी, जेसी बोस ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, पाउली ने। इसके बाद आगे है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये की थी जेम्स चैडविक ने। और जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लियोनार्ड दा विंची को, जीवाश्म विज्ञान का। जीव विकास का सबसे पहले किसने समझाया था, लेमार्क ने, जीव विकास का, ठीक है। और स्टील है जो स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है, क्रोमियम। स्टील में क्या मिला जाता है, क्रोमियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 वाला, ठीक है। उसके बाद अगला है जो वर्क है, कार्य है, उसकी सीजस इकाई क्या है, अर्ग, URGE, अर्ग, ठीक है। उसका बाद है कि रक्त में जमने में किस आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, कैल्शियम आयन की। रक्त दाब को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं, स्फिग्मैनोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर, ठीक है। और अगला है कि सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया, घोड़े में। अगला प्रश्न है शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। अगला है लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। लैंगरहैंस की द्वीपिका यानी कि उसकी फोटोकॉपी। वो प्रथम महिला जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला, मैडम क्वेरी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक बार इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं सारे क्वेश्चन, साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में काउंट होते हैं ये, ठीक है। हर एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, और बाकी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, किसी क्वेश्चन में कोई इश्यू लगे तो कुछ और टॉपिक स्पेशल चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से, जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज सब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।